हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है न्यू स्टाइल बुटीक। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंटरलॉक मशीन में धागे कैसे डाले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंटरलॉक मशीन में धागे डालना कई लोगों को इसमें जो है प्रॉब्लम होती है। आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। ये देखिए इंटरलॉक। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस इंटरलॉक में तीन धागे डलते हैं। सबसे पहला ये जो धागा हम डाल रहे हैं, ये धागा हमारा यहाँ से सीधा सुई में जाएगा। इसके बाद इसको यहाँ से अंदर की तरफ से बाहर की तरफ निकालना पड़ता है इस धागे को। ये देखिए, उसके बाद यहाँ से ऐसा, और अब यहाँ से ये सीधा सुई में जाएगा। लेकिन ये धागा हम सुई वाला सबसे लास्ट में डालते हैं सुई में। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये धागा पीछे वाला। जी हाँ, इस ढक्कन में एक होल होता है। जी हाँ, यहाँ से इसको निकाल के सबसे पहले इसमें डालेंगे। इसमें डालने के बाद ये जो प्लेट्स रहती हैं इसमें निकालें, इसमें से डालेंगे। और सबसे ज़्यादा हमें जहाँ धागा डालने में प्रॉब्लम होती है वो ये स्पॉट है। जी हाँ दोस्तों, ये डबल धागा हमने कर दिया है, उसके बावजूद भी ये धागा इसमें नहीं जा रहा है। यहाँ से कई लोग चिमटी की कोशिश करते हैं लगाने की, उसके बावजूद भी ये धागा नहीं जाएगा। यहाँ से हम सुई डाल के भी खींचने की कोशिश करेंगे, पीछे से भी ये नहीं जाएगा। इसलिए इसका हम सबसे आसान तरीका आपको बताएं कि धागे को चुवल कर लें। ये देखिए, मैंने धागे को चुवल कर लिया और यहाँ से पकड़ के इसको खींच लेंगे। ये धागा हमारा आसानी से निकल के बाहर आ गया है। अब इसके बाद एक और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली जगह जो है वो ये है। यहाँ ये सुई हमारी यहाँ आपको दिख रही है, ये है वो जगह। उसके बाद हम इसको कैसे डालते हैं ये भी देखें आप। ये हमारा धागा इसमें से डल गया है। उसके बाद ये वाला जो धागा है ये भी हम अंदर की तरफ से बाहर की तरफ निकालेंगे। अंदर की तरफ से बाहर की तरफ निकालेंगे। हमारा धागा इस तरफ से निकल के यहाँ आ गया है, और इसके बाद इसको इस तरफ से हम ये धागा इस तरफ से इस तरीके से डालेंगे। ये निकाल दिए, इसको खींच लेंगे। ये देखिए, ये हमारा धागा, दो धागे हमारे डल चुके हैं। अब ये लास्ट तीसरा धागा है, इसको हम सबसे पहले यहाँ से डालेंगे, नीचे की तरफ से ऊपर तरफ निकालेंगे, और फिर ऊपर से नीचे की तरफ किया, फिर उसके बाद यहाँ ये प्लेट में से भी निकाल दिया, फिर उसके बाद यहाँ से, उसके बाद ये वाली जो जगह है यहाँ से ये दोनों पत्तियों में से डाल के और बीच में से धागा निकाल के ऊपर फंसा देंगे। ये देखिए, अब इसके बाद यहाँ से ये सीधा नहीं डलेगा, इसको हम चिमटी से पकड़ेंगे और अंदर की तरफ से बाहर की तरफ खींच लेंगे डाल के। ये देखिए, ये अंदर से डाला
और बाहर की तरफ खींच लिया, और अब ये बाहर से अंदर की तरफ जाएगा और इसको भी खींच लेंगे। ये देखिए तो दोस्तों, कितनी आसानी से मैंने तीनों धागे 5 मिनट के अंदर डाल दिए हैं। और अब ये सबसे लास्ट में हम सुई में धागा डालेंगे, इसको भी ये खींच लिया। अब ये तीनों धागे हम थोड़े थोड़े काट देंगे। ये धागा हमारा कट गया है। कटने के बाद थोड़ी सी हम इसको मशीन चलाएंगे। मशीन चलाने के बाद थोड़ी सी इंटरलॉक हमारी हो गई है, और सुई से हम जो है धागे को बाहर की तरफ निकाल दें। ये हमारे धागे डल चुके हैं और ये धागा बाहर निकल आया है। अब हम आपको इंटरलॉक करके भी बताएंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ धागा हमारा बिल्कुल सही डला है। जी हाँ, ये देखिए कितनी सुंदर और कितनी मजबूत इंटरलॉक हो रही है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।